कहाँ के हो? राजस्थान से हो? राजस्थान से हो प्रॉपर। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे जॉब करता हूँ हार्डवेयर की दुकान पे। अच्छा, तो बेंगलोर के रहने वाले हो? मैं हाँ, अभी तो बेंगलोर में 13 साल से बेंगलोर में रह रहे। बोलिए क्या बात है गुरु जी। जिस लड़की से मैंने शादी किया था उसने मेरे साथ छल कपट करके धोखा किया। मैंने मेरे माँ बाप से ऊपर उसके ऊपर विश्वास किया था, लेकिन उसने मेरे साथ साजिश करके मेरे ऊपर मुकदमा डाल दिया उल्टा और मेरे साथ धोखा किया। कौन सा मुकदमा डाल दिया? काय का मुकदमा डाल? 498 दहेज का केस किया मेरे ऊपर। थोड़ा नजदीक आओ। पिताजी का नाम क्या? सरेमल जी। सरेमल जी रमेश कुमार उर्फ प्रिंस नाम है। केस लगा है, कैरियर उच्च होगा, मुकदमा पक्ष में होगा। आपके पिता सरेमान जी हैं, लड़की ने धोखा दिया, उसको दंड प्राप्त होगा। कानूनी प्रक्रिया पर बने रहे। गुरु जी की जय हो। जय सीताराम। पर्चा यही बोल रहा, माइक से बोलो। बिल्कुल यही बोल रहा है, सही है, एकदम सही है। सीताराम सीताराम, जय श्री राम। कानून का साथ नहीं छोड़ना, कानून के अंतर्गत आप कार्य करते रहिएगा। नंबर दो बातें हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में तुम्हें ये दिक्कत हुई। बिल्कुल गुरुजी, ओवर कॉन्फिडेंस वो छोड़ो, हमारी गलतियां भी बहुत है। बहुत है, मानता हूं मैं। हाँ, कम नहीं हो तुम, इलू इलू वाले हो। बिल्कुल मानता हूं। इसलिए जो है पहले सुधरो, आज के बाद हमें शिकायत ना मिले और हम इस बार कार्य पर हम प्रार्थना करेंगे। सत्य की जीत हो, आशीर्वाद। चलिए, आपका ही पर्चा है, आपके पास रहेगा, इसको लेकर धाम आना है। जिनके पर्चा बने उन्हें पर्चा लेकर धाम आना है, मंगल की पेशी करना है। लगातार नहीं, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार। पेशी से फिर सेना जाती है, सेना मतलब जो भी है अध्यात्म का विषय है वो सेना जाती है, उसी से फिर काम सफल होता है। सकारात्मकता बढ़ती है व लोगों के विचार जो आपसे शत्रु है उनके विचार सकारात्मक होते हैं व शत्रुता शून्य होकर के सत्य की जीत होती है। कोई भी इनलॉजिकली विषय नहीं है, हर विषय का लॉजिक है। अध्यात्म जैसा लॉजिक किसी में है भी नहीं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम मुकदमा के लिए तुम्हें जज बलदवा देंगे, नहीं, पहले तुम्हें सुधारेंगे, फिर सत्य की जीत होगी और सत्य का फैसला होगा। हम ये नहीं कहते कि तुम डॉक्टरों के पास मत जाओ। हम ये नहीं कहते कि तुम कानून का सहारा ना लो। कानून का सहारा लेना है, दवा भी लेनी है, लेकिन जल्दी आराम लगे तो दवा के साथ दुआ भी आवश्यक है। बस किसी के लिए दरबार है।